पेट्रोल डीजल के दाम वैसे तो हर रोज़ बहुत कम यानी पैसे में बढ़ते हैं, लेकिन इसका असर काफ़ी भारी होता है। पिछले 5 साल में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पैसे पैसे करके ये बढ़ोतरी 4 दिन में 3.20 रुपये हो गई है, यानी एक हफ्ते में ही कीमत 3 रुपये से ज़्यादा बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिलहाल कीमतों में अभी राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 98.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.87 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चलते 137 दिनों तक कंपनियों ने तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था, जबकि इस दौरान क्रूड के रेट करीब 40% से ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट में आज क्रूड प्राइस $120 प्रति बैरल के आसपास चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में विशेषज्ञों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं, क्योंकि सरकारी तेल कंपनियों को भारी घाटा हो रहा है। क्रूड ऑयल जब $70 से $80 प्रति बैरल के करीब चल रहा था, तब पेट्रोल डीजल की कीमतें इसी स्तर के आसपास थी। अब कच्चा तेल लगभग 40% से ज़्यादा महंगा हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते क्रूड ऑयल की कीमतों में बेतहाशा तेज़ी आई है, लिहाजा देश की सरकारी तेल कंपनियां रेट बढ़ाएंगी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीच में कुछ दिन ईंधन के रेट स्थिर थे, लेकिन इस हफ्ते में इसमें रोज़ बेरोज़ बढ़ोतरी होने लगी है। देश की सरकारी तेल कंपनियों को कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से लगभग 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मार्च महीने में ही IOC, BPCL एंड HPCL को ये नुकसान उठाना पड़ा। इसकी वजह से देश में पेट्रोल डीजल के खुदरा दाम न बढ़ाने को माना जा रहा है। देश में 4 नवंबर 2021 से 21 मार्च 2022 तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था, जबकि इस दौरान क्रूड ऑयल की कीमतों में $80 से $120 ये पहुंच गई है। अब यह माना जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के खुदरा दाम भी लगातार बढ़ेंगे। इसमें राहत तभी मिलेगी जब क्रूड $100 प्रति बैरल के नीचे आए या सरकार अपना टैक्स घटाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।